हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल घरेलू जमान में। अगर आपने भी फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी में जो है फ्लिपकार्ट ब्रांडिंग की तरफ से आने वाला ब्लैक डिलक्स धूप और ब्लैक सैंडल या धूप, इन दोनों को बिकते हुए देखा है और आप जानना चाहते हैं कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इनकी क्वालिटी कैसे है, तो इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सबसे पहले आपको फ्रंट साइड से इसकी पैकेजिंग वगैरह दिखाऊं तो सिर्फ जो है दोनों पैकेट्स में जो है टाइटल का सिर्फ फर्क है और कोई नहीं है, सब सेम है। साइड में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, बैक साइड में डिटेल्स है उसको एक मिनट में पढ़ेंगे। नीचे की तरफ का कुछ नहीं लिख रखा है और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। तो बैक साइड की अगर आप डिटेल्स भी देखेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये सेम ही जगह पर मैन्युफैक्चर हो रहा है जो कि है गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी मार्केटिंग जैसे मैंने बताया ये अपना फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड है, तो इनकी मार्केटिंग कर रहा है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हो रही है। हालांकि एक सरप्राइजिंग पार्ट है कि इसके बैक साइड में कोई भी इस धूप को बनाने के इंग्रेडिएंट्स नहीं बता रखे हैं। ज्यादातर कंपनी को बताना चाहिए कि ये धूप जो है सिंथेटिक बना रखा है, क्या इसमें केमिकल डाल के इसकी खुशबू बनाई गई है, या फूलों से बनाया है, नेचुरली बनाया है, क्या इसमें गूगल वगैरह, जो जिन लोगों को पता होगा कि धूप में गूगल वगैरह की खुशबू होती है, वो इसमें इसमें डाला है या प्योर केमिकल से बनाया है, ऐसा कुछ भी डिटेल्स में मेंशन नहीं कर रखा है। अगर कंपनी मेरा वीडियो देखे तो प्लीज इसमें मेंशन जरूर कीजिए कि ये किस तरीके का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग की बात करके है, 50 रुपीज की इसकी प्राइसिंग बता रखी है। हालांकि ये इससे काफी कम कीमत में मिल जाता है, हाफ रेट से भी कम कीमत में आपको इजिली मिल जाएगा। इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि आपको इसको सिर्फ जलाना ही है पूजा में, तो कोई इसको कंज्यूमेबल नहीं है, इसलिए ये इसकी कोई डेट नहीं है। इसके अंदर जो क्वांटिटी आती है वो आती है 20 स्टिक्स की। अब मैं जल्दी से आपको धूप की जो है स्टिक्स भी एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके की है। तो एक पैकेट को ओपन कर लेते हैं और आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो एक पैकेट को मैंने ओपन कर लिया और आपको पास से अगर दिखाऊं तो इस तरीके से जो है इसके अंदर स्टिक्स हैं। तो अगर मैं इस तरीके से ओपन करूं तो एक में है 5 5 और दूसरे में भी है 5 5, तो टोटल इस तरीके से 20 ये बन जाती हैं। इसका लेंथ का आपको एक बार अगर कन्फ्यूजन रह सकती है वीडियो में कि ये कितनी बड़ी है छोटी है, तो मैं सबसे मोस्ट कॉमनली घर में यूज होने वाला जो पेन है रेनॉल्ड्स का पेन, आप फैमिलियर होंगे, इस पेन से इसको कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसकी लेंथ भी कितनी है। तो अगर आप देखेंगे जो उसका ब्लू कलर का कैप है उसके स्टार्टिंग से एंडिंग तक की इसकी जो है लेंथ रहती है। और अगर आप इसकी थिकनेस की भी सोचें इसको खरीदने का, तो इसके लिए भी आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे जो पेन का जो बेस का जितना इसका राउंड सर्कल है उतना ही लगभग इसका डायमीटर भी धूप का है। दोनों ही धूप को मैंने जो है जला लिया है थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके, और दोनों को एक बार जो है टेस्ट करके बताता हूँ कि दोनों की इनमें से जो है खुशबू कैसी कैसी है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने जो है नोज के पास लाके इसको स्मेल करके इसको देखूंगा। इसको मैंने टेस्ट कर लिया, अब इसके बाद इसको जो है इसको चेक करके देखता हूँ। तो दूसरे वाले को भी मैंने टेस्ट कर लिया, लेफ्ट साइड वाले को, तो दोनों की खुशबू मेरे को बेहतरीन लगी, कोई इतनी बुरी नहीं है, बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, स्ट्रांग है। अगर एक रूम में इसका हाफ पोर्शन भी जलाएंगे तो जो है काफ़ी ये जो है इससे जो है खुशबू होने वाली है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी इसकी ठीक है। बस एक ही इशू है जो मैंने आपको बताया, इसमें ये नहीं मेंशन है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है या सिर्फ केमिकल को किसी चीज़ में मिक्स करके सिर्फ इसको उसमें गूंद के ऐसे करके बना रखा है, सिर्फ वो डाउट है, बाकी सब कुछ ठीक है। आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। तो होप आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।